इस तरीके से आलू का रस लगा लें, बालों की स्पीड होगी दुगनी, साथ ही आपका गंजापन होगा दूर। जी हाँ दोस्तों, हेलो दोस्तों, मैं हूँ सना खान, वेलकम है आपको मेरे YouTube चैनल सना आयुर्वेदा पर। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर। तो दोस्तों, क्या आपके सिर पर भी बहुत कम बाल रह गए हैं, या आपकी चोटी बेहद पतली बनती जा रही है, या दोस्तों आपके बाल बेहद गिर रहे हैं, यानी आपका हेयर फॉल रुक ही नहीं रहा, बालों की ग्रोथ सी रुक सी गई है, तो दोस्तों आपको इससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक सिंपल सी रेमेडी जो आपके बालों की रीग्रोथ करेगी, पतली चोटी को मोटा करेगी, साथ ही इसके यूज़ से आपका हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म होगा और आपके बालों में एक चमक आएगी, बाल बेहद मुलायम सिल्की स्मूथ बनेंगे, साथ ही आपके बालों को रूट से मजबूत भी करेगी, जिससे आपका हेयर फॉल एकदम रुक सा जाएगा। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि ये रेमेडी को कैसे बनाना है, इसका यूज़ आपको किस तरीके से करना है कि आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट मिले, उसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। लेकिन दोस्तों आगे की वीडियो देखने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में एक बेल आइकन यानी घंटी है उसे प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे पहले जो चीज़ आपको लेनी है वो होगा एक बाउल यानी एक कटोरी, जिसके अंदर हम अपनी रेमेडी को बनाने वाले हैं। फिर आपको ज़रूरत होगी आलू की। दोस्तों आपको यहाँ पे हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू का रस वाकई में आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इससे आपके बाल सफ़ेद होना तो रुकते ही हैं, तेज़ी से अगर आपके बाल झड़ रहे हैं यानी हेयर फॉल कुछ ज़्यादा हो रहा है आपका, तो ये आलू का जो रस है वो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल में रखता है यानी उसे रोकता है। आलू के रस में विटामिन सी होता है, मैग्नीज, बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है। इससे बाल चमकीले, मुलायम और मजबूत होते हैं। आलू से आपका गंजापन भी दूर होता है और साथ ही आलू आपके सर पर नए बाल उगाने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आपके नए बाल आते हैं और बहुत तेजी से आपकी हेयर ग्रोथ फास्ट होती है। आलू आपके बालों के लिए वाकई में एकदम जादू की तरह काम करता है। तो आलू का ये जो टिप्स है इसे ज़रूर आजमाइएगा, इसे ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, फिर उसके बाद इसका हॉनेस्ट रिव्यू आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस आलू को अच्छे से छील लेना है, छीलने के बाद आपको इसे पीस लेना है, पीसने के बाद आपको इस आलू का जूस निकालना है। जूस आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, मिक्सी जार में इसे पीस सकते हैं, या फिर आप कद्दूकस से ग्राइंड करके इसे कपड़े में डालकर अच्छे से छानकर इसका जूस निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको आलू का जूस निकालना है, जो कि मैं पहले से ही निकाल चुकी हूँ। फिर आपको 2 चम्मच जूस को आपको इस कटोरी में डाल देना है और यही 2 चम्मच जूस से हम बनाने वाले हैं अपनी रेमेडी। तो ये 2 चम्मच जूस इसमें आ चुका है। अब सेकंड जो चीज़ आपको लेनी है वो होगा यहाँ पे ओलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। जैतून के तेल में ओमेगा 6 फैसी एसिड होता है, जो बालों को लंबा करता है, घना करता है। इसके साथ ही जैतून के तेल में विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है, जो बालों को मॉइस्चराइज करता है, जिससे आपके बाल काफ़ी सॉफ्ट, नरम, मुलायम बने रहते हैं। इसके यूज़ से आपके बाल एकदम जो बालों की जो रूट होती है यानी जो बालों की जड़ होती है वो मजबूत होती है, जिससे आपका हेयर फॉल काफ़ी रुक जाता है। तो यहाँ पे आपको जैतून का तेल इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, लेना है 1 चम्मच जैतून का तेल, और ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ये आलू का स्टार्च होता है, जो कि आपके बालों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पे आपको जैतून का तेल 1 चम्मच डाल देना है। अब इसका केप लगा के इस ऑयल को आप साइड में आराम से रख दीजिए। अब आपको लेना है यहाँ पे सेकंड चीज़ क्या है, वो भी एकदम जादुई तेल है, वो है रोगन बादाम सिरिंज। यहाँ पे आपको बादाम का तेल लेना है, वो कौन सा तेल लेना है वो आप देख लीजिए। आपको यहाँ पे रोगन बादाम सिरिंज वाला तेल लेना है, क्योंकि ये 100% प्योर होता है, इसलिए इसे खाने में भी यूज़ किया जाता है। ये इतना प्योर है, आप इसे खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रोगन बादाम का यूज़ करने वाली हूँ। बादाम के तेल में विटामिन ई, डी, ए और बी पाया जाता है, जो बालों को पोषण देता है, जिससे आपके बालों की सारी समस्याएं दूर होती हैं।
बाल दुगनी स्पीड से लंबे होते हैं, घने होते हैं। साथ ही ये तेल आपके बालों को मजबूत करता है। साथ ही इसके यूज से आपके बाल काफी चमकदार और मुलायम भी होते हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बादाम का तेल आपको यहाँ पे 1 टेबल स्पून यानी 1 चम्मच लेना है। तो मैं इसमें 1 चम्मच तेल मिला देती हूँ। अब इस रोगन बादाम को आपको साइड में रख देना है। और जो तेल हमने इसमें मिला है आलू के रस में, रोगन बादाम और जैतून का तेल, इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है आलू के जूस के साथ, ताकि इसका जो बेनिफिट है वो हमें अच्छे से मिल सके। तो मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए हमारा तेल बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे तेल भी कह सकते हैं, आप इसे सीरम भी कह सकते हैं। ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आपके बालों की ग्रोथ को काफ़ी फास्ट इंक्रीज करता है, जिससे आपके बाल काफ़ी लंबे भी होते हैं। इसके यूज से आपके बाल घने भी होने वाले हैं, आपका हेयर फॉल भी ख़त्म होने वाला है। तो इसे इस्तेमाल करिए और इसका रिजल्ट ऑनेस्ट रिव्यू बिल्कुल मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अब आपको इसे सर में किस तरीके से लगाना है, अपने बालों में किस तरीके से यूज करना है कि आपको इसका रिजल्ट जो है वो काफी बेहतरीन मिले। तो आपको क्या करना है, आपको अपने स्कैल्प में यानी रूट में इसे रुई की मदद से या फिर स्प्रे बोतल की मदद से लगा लेना है। आप चाहो तो उंगली की मदद से भी लगा सकते हो, लेकिन उंगली की मदद से ये लगने में सही नहीं आता है, क्योंकि इसमें हमने जूस मिलाया है, क्योंकि जूस हमारे हाथ में अच्छे से नहीं आ पाता। तो मैं आपसे राय दूंगी आप कॉटन की मदद से आप इसे लगाएं। कॉटन की मदद से ये बहुत अच्छे से लगने में आ जाएगा और इसका जो रिजल्ट है वो आपको काफी बेहतरीन मिलेगा। आपको अपने जड़ में यानी बालों की रूट में इसे अच्छे से लगा लेना है और इसे ओवरनाइट ही लगाना है, क्योंकि कोई भी ऑयल या सीरम हम लगाते हैं बालों की ग्रोथ के लिए, आयुर्वेदिक जो भी चीज़ हम लगाते हैं, अगर हम रात में लगाएं और सुबह वॉश करें तो उसका रिजल्ट हमें काफ़ी अच्छा मिलता है। तो आपको इसे रात में लगाना है, फिर सुबह आपको इसे वॉश करना है। इसी तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है और इसका रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो रिजल्ट देख के आप खुद हैरान रह जाओगे। 1 हफ्ते के अंदर आपको अपने बालों में काफी फर्क नजर आने लगेगा, बाल काफी सिल्की नजर आएंगे, बालों की ग्रोथ भी आपको पहले से ज्यादा नजर आने लगेगी, हेयर फॉल जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन दोस्तों जाते जाते कहना चाहूंगी, आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वीडियो से कुछ भी पूछना चाहते हो, वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन करना चाहते हो, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। तो दोस्तों जब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।